राम राम ताई। राजी है के? स्माइल कर दे, हंस दे। खुश है? खुशिया? खुश है? खुशी है? खुश है? खुश है? खुश है? नमस्ते इंडिया, वेलकम टू कजाकिस्तान। नमस्ते इंडिया, वेलकम टू कजाकिस्तान। नमस्ते इंडिया, वेलकम टू कजाकिस्तान। नमस्ते इंडिया। ये देख लो भाई, इसने नमस्ते कर दिया है और कजाकिस्तान में वेलकम हो गया भाई। जैसा कि मैं आपको हर कंट्री में दिखाता हूँ भाई, आप $5 में, $10 में कितना क्या ले सकते हो। तो टाइम आ गया भाई आपको दिखाने का, $5 में आप कजाकिस्तान में क्या ले सकते हो, क्या खरीद सकते हो, क्या पी सकते हो और कहाँ से कहाँ जा सकते हो। $5 में टोटल 2200 टेंगे होते हैं भाई। तो मैं आज आपके सामने 2200 टेंगे ऑन द कैमरा आपको दिखाऊंगा खर्च करके। और जो मैं ये 2200 टेंगे खर्च करूंगा वो ऐसा नहीं कि भाई किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लिया या कुछ और कर लिया, बिल्कुल सस्ते से सस्ती चीज़ खरीद के, खा पी के और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके खर्च के दिखाऊंगा भाई आपको मैं सारे पैसे। मेरा मेन उद्देश्य है, मेरा मेन मकसद आपको खाली ये दिखाना है कि आप कजाकिस्तान में कितने पैसे से अपना काम चला सकते हो, कितने आप खर्च सकते हो। $5 इंडियन करेंसी के हिसाब से तकरीबन 410 रुपये करीब हो गए भाई, और कजाकिस्तान के हिसाब से 2200 टेंगे। चलो मैं यहाँ से कोई बस पकड़ता हूँ और बस पकड़ के मैं जाऊँगा अलमाटी के सिटी सेंटर एरिया में। और अलमाटी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है भाई कजाकिस्तान में, काफ़ी अच्छी ब्यूटीफुल सिटी है। पहले ये कैपिटल हुआ करती थी पर अब नहीं है, अब कैपिटल है इनकी अस्थाना। अलमाटी का नाम पहले अलमाटा था, अलमाटू था और अब इन्होंने अलमाटी रख दिया। ये भी योगी सरकार की तरह नेम बदलते रहते हैं भाई। तो अब मैं पूछने वाला हूँ बस स्टैंड पर, और 118 नंबर बस आएगी, 118 नंबर बस पकड़ के बिल्कुल अलमाटी के सिटी सेंटर एरिया में जाऊँगा। और यहाँ बस का भाड़ा बिल्कुल फिक्स है भाई, आपको 150 टेंगे देने होंगे हर राइड के लिए, चाहे आप यहाँ से 2 कदम दूर जाओ, चाहे आप यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जाओ, बस का भाड़ा फिक्स है 150 टेंगे। और ये देखो अपने पास 150 टेंगे है भाई, एक 50 का सिक्का है और 100 का, ये मैं दूंगा कनेक्टर को। बस नंबर 118 आ गई भाई और यहाँ से कर दी एंट्री। चलो अब किराया देते हैं भाई। ओके, टिकट वगैरह कुछ नहीं देते, इसमें भी एक उड़जेड़ा है भाई। तकरीबन 4 साल पहले कजाकिस्तान गवर्नमेंट ने बसों से कनेक्टर हटा दिए क्योंकि कनेक्टर को पे नहीं करना चाहते। दूसरी बात, जब से कनेक्टर हटाए हैं ज़्यादातर लोग टिकट नहीं लेते। तीसरी बात, ड्राइवर को अगर कोई पैसे दे तो ज़्यादातर ये टिकट देते भी नहीं, अपनी जेब में पैसा डालते हैं, ठीक है। तो मोस्टली लोग टिकट लेना अवॉइड करते हैं भाई, और मुझे कोई चेकिंग वाला दिखा भी नहीं। बाकी मैं हर बार टिकट लेता हूँ क्योंकि अगर बिना टिकट पकड़ा गया, मान लो बाई चांस पकड़ा भी गया, तो बेइज्जती सारे देश की भाई है। ये बोलेंगे भारतीय है, सीधी बात है। 150 टेंगे मेरे हिसाब से ज़्यादा 30 रुपये होंगे, तो टिकट लिया करो भाई। बस से बाहर निकलने का टाइम आ गया भाई, बस से उतर के मैं यहाँ आ गया भाई। मोनूमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं इसको, अलमाटी में बहुत ब्यूटीफुल जगह है भाई, देखो क्या नज़ारा है भाई, चारों तरफ फवारे सवारे लाके एक नंबर का ओके काम कर रखे है भाई। सिटी बहुत ही सुंदर है भाई, खुले रोड, सुंदर सुंदर बिल्डिंग और नो ट्रैफिक। ट्रैफिक है पर कम है, और हॉर्न वगैरह तो बिल्कुल नहीं बजाते, ये खास बात लगी मुझे। ये भाई श्रद्धांजलि दे रहा है कोई शहीद होगा उसको, फूल वगैरह लेके आया है। ये भाई बता रहा है कि 1991 में कजाकिस्तान रशिया से अलग हो गया था, जो USSR था कजाकिस्तान उसके अंदर ही था भाई, सोवियत संघ के अंदर। तो 1991 में ये अलग होके अलग देश बन गया था, उसके लिए इन्होंने बनाया मोनूमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। या दैट्स राइट, थैंक यू सो मच ब्रदर, यू आर वेलकम। या मेरे पीछे देखो, क्या आपको ये कजाकिस्तान लग रहा है भाई, इतना ब्यूटीफुल शहर, कमाल है। खुफिया सूत्रों के आधार से एक जानकारी तगड़ी निकाली है भाई मैंने, बहुत बड़ी मार्केट का नाम बाराखोल का, उस मार्केट में जाऊंगा भाई मैं, वो सबसे सस्ती मार्केट बताई है यहाँ की, और फिर जाके वहाँ $5 स्पेंड करूँगा, फिर देखना मज़े आते हैं भाई। तो यहाँ से एक बस और लेनी पड़ेगी, 150 टेंगे और देने पड़ेंगे, वहाँ जो मज़ा आएगा ना वो देखना।
लोकल लोगों से बातचीत, भाव में उतार चढ़ाव सब दिखाऊंगा आपको मैं, बने रहना, मजे आएंगे। ये सामने है अपना बस स्टॉप और यहाँ से 120 नंबर बस लेके जाऊंगा मैं। भाई मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है, बस आ जाए पर बारिश नहीं आनी चाहिए, बारिश आ गई तो सारा खेल ख़त्म, सारी मार्केट हट जाएगी। ये क्या भाई, किसने ग्लास तोड़ रखा है मेरे हिसाब से बस स्टैंड का। चलो आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो गिलास फोड़ रखा भाई, शेर कुत्तों यार, देखी नहीं मैंने कभी, शांत सा कंट्री था, किसी ने दारू पी के या फिर पता नहीं कैसे टूटा, अब हम क्या कह दें। चलो अपनी बस आ रही है 120 नंबर, उसमें बैठ के चलते हैं। मुझे फिर से टिकट नहीं दी गई भाई, और इस बुढ़े आदमी को देखो इसने टिकट लिया है, इसके हाथ में टिकट है ना, और इसने मुझे टिकट नहीं दी, आई बात समझ में, पैसे खुद खाते हैं ये, कर गया गड़ा गप। देखो बस में डैश कम भी है, देखा बस में डैश कम भी है, और मैं उतर चुका हूँ भाई मार्केट के पास, चलते हैं मार्केट में भाई। यहाँ मुझे हिदायत दी गई है भाई, अपने फ़ोन का ध्यान रखना, अपनी जेब का ध्यान रखना, कोई भी जेब से निकाल सकता है फ़ोन या पैसे, तो मैंने सीधा सीधा कह दिया कि कजाकिस्तान में भाई ज़्यादातर लोग आपको पता है एप्पल के फ़ोन यूज़ करते हैं 90% लोग, और अपने पास चाइनीज़ में रेडमी, कौन निकालेगा भाई, कोई चांस ही नहीं है भाई, कोई मुद्दा बनता ही नहीं, बहुत बड़ी मार्केट है भाई, इसको बोलते हैं भाई रियल अलमाटी। कितनी गाड़ियां खड़ी हैं भाई, ये देखो भाई टेम्पू तीन पहिया वाली ये एक और, एक बात तो भाई यहाँ आपको स्कूटर मोटरसाइकिल ज़्यादा नहीं दिखाई देंगी, मोस्टली दिखेंगे वो गाड़ियाँ ही दिखेंगी, क्योंकि ठंडा देश है ये, अभी तो गर्मी चल रही है, गर्मियों में भी मैं इसे गर्म नहीं बोलूँगा, सर्दियों में यहाँ टेम्परेचर तकरीबन -25-30 ये रहता है भाई, नॉर्मल है ये इनके लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये अब की बार मार्केट शुरू हुई भाई, ये शायद इनका खरबूजा है, और आंधी भी आनी शुरू हो गई, देखो इन्होंने अपने तंबू वगैरह उतार लिए हैं। ये जो अंडरपास है ना, जो रोड क्रॉस करने के लिए बना रखा है, वहाँ पर ये मार्केट लगी हुई भाई, ये देखो यहाँ से रोड क्रॉस कर लो, ये मार्केट है यहाँ पे, जूते चप्पल जो भी आपको लेना हो। सुना भाई आजकल इंडिया में टमाटर काफ़ी महंगे चल रहे हैं, यहाँ 500 टेंगे के एक किलो है भाई, 90-95 रुपये लगा लो, 500 टेंगे के तीन बोल रहा है भाई, मैं बोला एक दे दे मुझे और इसको यहीं कट कर दे, कट, ये देखो ट्रांसेट में यहीं खाएंगे यार, यहाँ का खरबूजा नहीं खाया तो फिर क्या खाया भाई, हाँ कट कर दे, गुड, खरोसो खरोसो। ये देखो भाई अब बीज भी निकालेगा भाई, बड़े माल में आपको बीज निकाल के काट के नहीं देंगे, यहाँ ये फायदा भाई, बड़ा स्वाद खरबूजा रहा है, पूरा हो गया, 500 का नोट दे दिया भाई, अब देखते कितने वापस देगा, 300 दे दिया वापस, वैसे तो इसके बन रहे थे 170 के करीब, ठीक है पर 200 काट लिए, कोई चक्कर नहीं भाई। ये मार्केट है भाई, आपको नाइकी के शूज मिल जाएंगे, कॉपी चाइनीज मार भाई, दुनिया में हर जगह फैल गया, ये देखो एडिडास डुप्लीकेट, आता 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 120 टेंगे का एक केड़ा भाई, तो कम से कम 5 केड़े तो होने चाहिए भाई, 5 बिना तो हमारा गुजारा नहीं है, और ये मुझे 5 का गुच्छा मिल गया भाई, 600 टेंगे हो गए भाई इनके, अभी देखते हैं 600 टेंगे इसको दे रहा हूँ भाई, ओके। बहुत बड़ी कपड़े की मार्केट है भाई ये। एक बात और भाई, मार्केट में शांति इतनी है, कोई हुल्लड़ शोर शराबा कुछ भी नहीं, और बिल्कुल पतली पतली संकरी संकरी गलियां, पर सफाई इतनी है भाई जबरदस्त, आपको देखो नीचे बिल्कुल भी कचरा कूड़ा क्रिकेट वगैरह नहीं दिखेगा। ये भाई मैंने इसको लिख के बताया, ना तो मैं अल्कोहल पीता हूँ ना मैं बियर पीता हूँ, ऐसा कुछ मत देना जो अल्कोहलिक हो, ये बोलती है नहीं यहाँ का लोकल ड्रिंक है, और इसके 300 देने पड़ेंगे मुझे, नो 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 नो, नलकी निकलवा दी भाई जैसी आदमी हम, नेम महितो महितो महितो, वाओ गजब चीज है भाई, तो पुदीना वगैरह डाल रखा है,
गुड, मज़ा आ गया भाई। आपको एक बात और बता दूँ, पानी यहाँ बहुत महंगा है। पानी की बोतल भी तकरीबन इसी रेट में मिल जाएगी आपको, थोड़ा बहुत कम लगा लो बस। अड़कड़ का नींबू है और पुदीना है, पूरी हो गई भाई, मस्ट रिकमेंड। मैं इस गेट से बाहर आ गया भाई, जो सामने वाला गेट है और जो अंदर मार्केट है ना, वो पूरी मार्केट कपड़ों की इस दीवार के पीछे है, पूरा बड़ा शेड बना रखा है, उसके नीचे मार्केट है। मतलब बाहर से आने वालों को पता नहीं लगेगा भाई। भाई चलते चलते मैं यहाँ रुक गया था, मैंने देखा कि ये इसके अंदर आपको दिखाऊं मैं अपन, ये देखो लस्सी है और लस्सी के अंदर इन्होंने गेहूं डाल रखे हैं। पता नहीं क्या उबाल के कैसे क्या बनाते हैं भाई, ये समझ नहीं आया। और जहां डेयरी प्रोडक्ट की बात हो वहां हम लोग भाग के जाते हैं, खासकर हरियाणा वाले। या वन वन पीरिन बा वन ग्लास, या यस 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 आई विल ड्रिंक। इसको मेरी समझ नहीं आती भाई, और मुझे इसकी समझ नहीं आती। ये देखो भाई, ये दे दिया। अ नेम नेम खुशिया, खुशिया 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 खुशिया। हाउ मच, हाउ मच देंगे? 500। दो राज द्वार थ्री चित्री शस्ता वन मोर, ये 400 थे भाई। ये बोलती है एक और दे, ऐसा ढूंढता हूँ जेब में मिलेगा, नहीं मिलेगा तो भाई 500 का नोट देंगे, कोई चक्कर नहीं। दे दिए भाई इसको मैंने, तो 500 टेंगे का ये ले लिया भाई। और आपको पी के टेस्ट बताता हूँ मैं कैसा है। सही है भाई, लस्सी में नमक डाल रखा है और गेहूँ, गेहूँ को पानी में पकाते हैं ना तो हम लोग बाकड़ी बोलते हैं उसको, तो भाई इन्होंने गेहूँ की बाकड़ी बना के ना और लस्सी में डाल दी, और इसको बोलते हैं कुजे, पीते हैं। सही है, 500 टंगे भाई। लोकल मार्केट में आने का ये फायदा है, नई नई इनकी ट्रेडिशनल चीज़ें पी रहा हूँ मैं। राम राम ताई, राजी है के? सवाल कर दे, हंस दे। सुंबे समसा ये भाई ताई इशारा कर रही थी कि एक मक्का और ले ले मेरी, मैं बोला चल ताई दे दे मक्का भी खा लेंगे तेरी, सदा दूसरों की मानी आज तेरी मानेंगे, ये मेरे लिए मक्का ले आएगी। वालेकुम सलाम, ये ले आई भाई मक्का मेरे लिए ताई। ओहो नमक है भाई ये तो, ओके ओके चलो यहाँ की मक्का का और टेस्ट करते हैं, आपको फिर बताते हैं। 150 रुपये की भैया मक्का, मतलब 150 टेंगे की मक्का भाई ये। अजीब सा टेस्ट है भाई, पता नहीं किसी ने पका रखे हैं, अजीब स्मेल आ रही है भाई। मक्का खा ली, मक्का खा के उसको 150 दे के और चल पड़े भाई। इसका नाम समेसम है भाई, ये बड़ी फेमस है यहाँ पे, बहुत लोग खाते हैं भाई। इसमें मीट डाल के, ये देखो इसमें मीट डाल के और फिर इस तेल में भून लेते हैं भाई ये, पर ये आलू से ही बनाते हैं भाई। चिकन, ये देखो आलू भी डाल के बनाते हैं, पर सिस्टम क्या है भाई, ये ऑयल इनके पास खाली एक ही है भाई, उसी ऑयल में बनाते हैं, तो मैं नहीं खाऊंगा मैं। वैसे फेमस है भाई ये समेसम यहाँ पे। एक आइसक्रीम और ले लेते हैं भाई, 500 का दे दिया, अभी 250 दे देगी मुझे वापिस, 50-50 के 5 सिक्के दे दिए भाई इसने। थैंक यू, खा के देखते हैं भाई, पहली बार कजाकिस्तान की आइसक्रीम। वैसे आइसक्रीम मैं बहुत कम खाता हूँ, पर यहाँ देखते हैं क्या सीन है। सही है भाई, देखो ऊपर तक भर के देते हैं। तो भाई टोटल 250 टेंगे स्पेंड कर दिए भाई, कर रहे थे 2200, एक्स्ट्रा हो गए, कोई दिक्कत नहीं। मेरा मेन मुद्दा था आपको ये दिखाना कि $5 में आप क्या खरीद सकते हो, तो जो भी कुछ खरीदा भाई आज मैंने $5 में खरीदा, हालांकि 100 टेंगे एक्स्ट्रा लगे हैं, 20 रुपये के करीब ज़्यादा खर्च दिए, कोई बात नहीं भाई। ऐसे ही मैं आपको दिखाता रहूँगा देश और दुनिया से, $5 का चैलेंज, $10 का चैलेंज, और वहाँ की लोकल चीज़ों को ट्राई करूँगा। ये आइसक्रीम भी लोकल ही है भाई, चिंता ना करो, ठीक है। चलो चलते हैं, अब अपना चैलेंज कम्प्लीट हो गया,
टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत।